जालौन की कोंच कोतवाली पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में एक बार फिर सफलता हासिल की है, जिनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल सहित तमंचा व नकदी भी बरामद की गई। प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी राहुल कुमार पांडे ने बताया कि विगत दिनों क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर घटित घटनाओं में ये अपराधी संलिप्त थे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह के मार्गदर्शन पर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के पंचानन चौराहे के पास से चोरों के मौजूद होने की सूचना मिली, जिसको लेकर प्रभारी निरीक्षक इमरान खान ने मंडी चौकी प्रभारी अशोक कुमार सिंह, सागर चौकी प्रभारी संदीप कटियार सहित सिपाही निजामुद्दीन, आशीष तिवारी, विवेक कुमार, नीरज कुमार के साथ मिलकर मौके पर दबिश देते हुए सहबीर पुत्र रतन जाटव निवासी ग्राम सिलखोरा थाना विठौली जनपद इटावा व रामवीर पुत्र स्वर्गीय रोमेले निवासी कस्बा व थाना नया गांव जिला भिंड मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की एक बाइक, एक रिवॉल्वर, तमंचा व 10,600 रुपये बरामद किए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार उक्त चोरों से चोरी की अन्य घटनाओं को लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। उक्त दोनों चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। कुछ अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं, किस मामले में पकड़ गए हैं, क्या कार्रवाई की गई? जनपद जालौन के थाना कोच के द्वारा पंचानन चौराहे से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम है सहबीर और रामवीर। ये दोनों लोग, इसमें से एक व्यक्ति बिठौली थाना क्षेत्र इटावा का और एक नया गाँव थाना जनपद भिंड के रहने वाले हैं। ये लोग यहाँ पर रहकर छिनैती और लूट की घटनाओं का करते थे। पिछले महीने 18 जनवरी को पहुँच कस्बे में एक व्यापारी, एक व्यक्ति से करीब 43,000 रुपये की छिनैती हुई थी। वो घटना इनके द्वारा अंजाम दी गई है। इन्हीं के द्वारा ही जनपद थाना जालौन में एक व्यक्ति से 1,43,000 रुपये की लूट की गई थी। वो उनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा वो घटना भी की गई है। इनमें से इनका एक साथी जो सुधीर है, उसको फौज से बर्खास्त भी किया गया है। वो भी इस घटना में शामिल है, वो भगा हुआ है। सर, क्या सामान की बरामदगी हुई? इनके पास से एक रिवॉल्वर, एक तमंचा और 4 कारतूस और साथ में जालौन की घटना के 10,600 रुपये और पहुँच में करीब 3,500 रुपये की बरामदगी की गई है। और एक काले रंग की पल्सर बरामद हुई जो इन्होंने इन घटनाओं में इस्तेमाल करते थे। क्या कार्रवाई की जा रही है इनके विरुद्ध? अभियोग लिख के इनको जेल भेजा। जालौन से देवेश कुमार सोनकार की रिपोर्ट।